हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पहल एंड मॉम। मैं संगीता और मेरी 17 मंथ्स की एक बेबी गर्ल है। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे होम रेमेडीज फॉर मॉस्किटो बाइट। सो जैसे कि समर स्टार्ट हो चुके हैं और मच्छर भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, सो हमें अपनी बेबी का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, सो आज हम वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। सो नंबर वन है मॉस्किटो नेट का यूज करें। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मच्छर हैं और आपके बेबी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो आप मॉस्किटो नेट का यूज करें, जिससे कि आपके बच्चे को मच्छर बहुत कम काटेंगे या बहुत कम परेशान करेंगे। नंबर टू है सोने से पहले अपने रूम को, अगर आप मॉस्किटो नेट नहीं यूज कर रहे हो तो अपने रूम को अच्छे से चेक कर लें, जितने भी रूम में मच्छर हैं उनको अच्छे से मारें या भगा दें रूम से, जो भी आप करोगे। लेकिन सोने से पहले अपने रूम को अच्छे से देख लें, चेक कर लें, क्योंकि एक भी मच्छर अगर रूम में रह जाता है ना तो वो बेबी को बहुत ज्यादा परेशान करता है, वो बेबी को बहुत ज्यादा जगह बाइट कर देता है और बेबी को स्किन पे बहुत ज्यादा रैशेज भी हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आपका रूम मॉस्किटो फ्री होना चाहिए सोने से पहले। उसके बाद अपनी विंडोज एंड डोर्स को आप अच्छे से क्लोज कर सकते हो, देन इजीली बेबी भी सो जाएगा और आप भी सो सकते हो। मच्छर के काटने से बेबी को बहुत ज्यादा खुजली होती है और वहां पे बच्चा बार बार खुजलाता रहता है। खुजलाने से वहां पे कई बार जख्म भी बन जाते हैं। वैसे तो वहां पे छोटे छोटे दाने होते हैं, बट कुछ बेबीज उसमें बार बार खुजलाते रहते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। सो उसको खुजला खुजला के वहां पे जख्म हो जाते हैं। सो इससे बेबी को काफी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार बेबी के फेस में बहुत ज्यादा मॉस्किटो बाइट्स हो जाती हैं, जैसे कि बेबी का फेस बहुत ज्यादा खराब दिखता है। सो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए जो मैंने चीजें बताई हमें वो करनी चाहिए। सो नेक्स्ट आता है कि अगर आपको बेबी को मॉस्किटो ने बाइट कर दिया है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। सो अगर आपके बेबी को मॉस्किटो ने बाइट कर दिया है तो आप उस पे एलोवेरा जेल लगा सकते हो। एलोवेरा जेल, जो अगर आपके घर पे एलोवेरा है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उससे ज्यादा प्योर कुछ हो नहीं सकता। बट अगर आपके घर पे एलोवेरा जेल नहीं है तो जो मार्केट में जो प्योर एलोवेरा जेल आता है आप वो लगा सकते हो। 10-15 मिनट तक लगा के छोड़िए बेबी की बॉडी में, या आप रात को भी लगा के छोड़ देते हो तो इट्स ओके, क्योंकि वो एक बहुत ऑर्गेनिक चीज है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। देन उसके बाद आप उसको वॉश कर सकते हो, तो उससे जो है बेबी को इचिंग नहीं होगी और उसको रैशेज एंड ऑल नहीं होंगे। नेक्स्ट वन है आइस पैक। अगर जैसे बच्चे को मच्छर ने बेबी काटा है, वहां पे बिल्कुल रेड हो चुका है, काफी ज्यादा फूल गया है, सूज गया है, तो आपने आइस पैक लगा सकते हो। मीन्स आप बर्फ का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसे कॉटन के किसी कपड़े में रख लीजिए और उससे हल्की हल्की बेबी के स्किन पे उससे सिकाई कीजिए, तो उससे भी जो मॉस्किटो बाइट है वो काफी हद तक सही हो जाती है। आप उस पर कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, जैसे कि मॉस्किटो ने बाइट किया उसके बाद उसमें कोकोनट ऑयल अगर आप लगा दोगे तो बच्चा उस पर खुजली नहीं करेगा। मीन्स कोकोनट ऑयल से जो है खुजली काफी कम हो जाती है, तो बच्चा अगर खुजली नहीं करेगा तो वहां पे निशान नहीं बनेंगे या वहां पे जख्म नहीं बनेंगे। सो बेबी का जो मॉस्किटो बाइट है वो इजिली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन है यू कैन अप्लाई हनी। आप मॉस्किटो बाइट पे हनी भी अप्लाई कर सकते हो। सो हनी को अप्लाई करने के बाद 15-20 मिनट छोड़ दीजिए, देन उसको वॉश कर दीजिए, तो उससे भी काफी हद तक आराम मिलता है। सो बेबी को पहले तो हमें मॉस्किटो बाइट से बचाना है। अगर हम उसको नहीं बचा पाए तो फिर हम ये सब जो रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं हमें वो सब करनी है। ख्याल रखें, जब भी आपका बेबी कभी शाम के टाइम बाहर जाता है या पार्क जाता है या कहीं और भी जाता है, तो एक बहुत छोटी सी मेडिसिन आती है जो आपके अपने बेबी के क्लोथ्स में लगा सकते हो। बहुत हल्का हल्का उसको लगाना होता है, जिससे कि आपके बेबी के पास मच्छर बहुत कम आते हैं। ये चीज मैंने खुद पे ट्राई की हुई है, मीन्स अपने खुद के बेबी पे भी ट्राई की हुई है, खुद पे भी ट्राई की हुई है। तो मेक श्योर जब भी आप बाहर जाओ आप उसे लगा के जाओ, और आपके बेबी को भी मच्छर बहुत कम काटेंगे और आपको भी मच्छर बहुत कम काटेंगे। सो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आप अपने बेबी के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका बेबी मॉस्किटो बाइट से बचा रहे। क्योंकि मॉस्किटो बाइट करने के बाद हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हमें नहीं पता है कि कौन सा मच्छर किस सीजन का है, किस टाइप का है और कौन से फीवर हमारे बेबी को या हमारे तक ले आएगा, हमें उससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि अपने बेबीज को मॉस्किटो से दूर रखें। जब भी आप उन्हें घर से बाहर लेके जाए आप उन्हें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए, ठीक है, मतलब कॉटन के कपड़े पहनाइए, क्योंकि गर्मियां हैं। ऐसा नहीं आप उन्हें गर्म कपड़े पहना के ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको कॉटन के फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने हैं, उसको फुल पैंट पहनानी है, जिससे कि बहुत कम जगह ऐसी रहे जिसपे मच्छर उसको काट सके। तो इस टाइप की चीजें आप फॉलो कर सकते हो अपने बेबी को मच्छर से बचाने के लिए। सो ये थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक आज की वीडियो में, कि मच्छर से कैसे बचा जा सकता है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।